कैमरा फंक्शन ठीक है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कांची और आज हम लोग क्वेश्चंस के आंसर, मतलब मैं क्वेश्चन के आंसर्स दूंगी जो आप लोग ने एक वीक में पूछे हैं। मैंने पहले वीडियो डाली थी जिसमें आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैंने उसमें बोला था कि मैं वो वीडियो एक वीक के बाद बनाऊँगी ताकि आप लोग को जितने भी क्वेश्चन पूछने हैं वो आप पूछ लें। तो सारे क्वेश्चन मेरे फ़ोन में सब हैं एंड बहुत ही ज़्यादा थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा था कौन पूछेगा क्वेश्चन, मीन्स हु आई एम, कि आप लोग क्वेश्चन पूछोगे, बट इतने ज़्यादा क्वेश्चन आए मेरे पास कि कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिमिलर थे और कुछ क्वेश्चन नए। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। मेरी आवाज़ सुनी हो रही है तो यस, वी शुड गेट स्टार्टेड। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि कुछ क्वेश्चन सिमिलर थे तो मैं आप लोग के नाम लेके उसके बाद उसका आंसर दे दूँगी क्वेश्चन बोल के, और जो क्वेश्चन एक ही ने पूछे थे वो तो नाम लेके ऑफकोर्स आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। और मैं दो वजह से एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज मैं अपनी बहन के फ़ोन से शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में तो सारे क्वेश्चन हैं। तो मैंने सोचा मैं कैसे करूँ कि प्लीज़ दे दो। तो उसने कृपा करके मुझको अपना फ़ोन दिया है। सो विदाउट किसी बकबक के अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं जो क्वेश्चन बोलूँगी वो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन, यूट्यूब के वीडियो के जो कमेंट्स में थे मैं वो क्वेश्चन बोलूँगी। तो पहला, और इंस्टाग्राम बाद में, ज़्यादा क्वेश्चन इंस्टाग्राम में थे, पता नहीं लोगों को कमेंट सेक्शन में पूछने में क्या दिक्कत थी, पर चलते हैं, अब पूछे गए हैं तो हम बताएंगे। आई एम सो एक्साइटेड। यस, वी शुड स्टार्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ कांची और आज हम लोग रिप्लाई, मतलब मींस मैं रिप्लाई दूंगी आप सबके प्यारे क्वेश्चंस का। एंड गाइस, थैंक यू फॉर आस्किंग मी क्वेश्चन। मुझे लगा था कौन मुझसे क्वेश्चन, लिटरली आई वाज थिंकिंग जिस दिन मैंने वो वीडियो डाली थी कि मुझसे क्वेश्चन ही कौन पूछेगा, आई एम हु आई एम, कि कोई मुझसे क्वेश्चन पूछे, कि कोई मुझसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा। तो यस और एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था जिसको, मतलब मीन सारे क्वेश्चन मुझको इसको देख के मुझको सबसे ज़्यादा हंसी आई थी, सबसे ज़्यादा, मैं भी बताऊँगी। एंड थैंक यू फॉर दोज हु रिमाइंडेड मी कि टुडे योर वीडियो हैज़ कम्प्लीटेड वन वीक व्हेन यू आर आंसरिंग माय क्वेश्चन, टुडे इज योर वीडियो कम्प्लीटिंग दिस। एंड थैंक यू सो मच, वैसे मुझको याद था बट मुझको याद दिलाने के लिए थैंक यू सो मच। सो यस, जो क्वेश्चन सुन के मुझको हंसी आई थी वो है जबीर हुसैन का, व्हाट इज डेमोक्रेसी, मींस मुझको अभी भी हंसी आ रही है कि मैं जवाब दूंगी बट मींस हिस्ट्री सिविक्स की क्लास थोड़ी ना चल रही है, व्हाट इज डेमोक्रेसी आपने पूछा है, अच्छी बात है आपने क्वेश्चन पूछा, बट व्हाट इज डेमोक्रेसी, मुझको अभी बहुत अच्छी आ रही है। कोई बात नहीं, आपने पूछा है तो हम जवाब ज़रूर देंगे। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी वो होती है कि डेमोक्रेसी इज द वे इन विच द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। तो हिंदी में बता दूँ कि डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें हम लोग गवर्नमेंट खुद चूज़ करते हैं अपने हिसाब से, जैसे वोट इलेक्शन आ ही रहा है तो मीन्स जब हम लोग 18 ईयर्स के बाद अपना वोट डालने जाएंगे तो उसको तो कहते हैं डेमोक्रेसी, कि वी हैव द राइट टू चूज आवर गवर्नमेंट। यस, आपको आंसर मिल ही गया होगा, व्हाट इज डेमोक्रेसी, मेकिंग एनीथिंग। ओके, तो हम लोग अपनी वीडियो ये स्टार्ट करनी चाहिए। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं ये मेरी क्वेश्चन एंड आंसर 2021 है, तो अगर आपको 2022 में भी मेरा क्वेश्चन आंसर चाहिए होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो फर्स्टली मैं बताऊंगी यूट्यूब से, जो यूट्यूब कमेंट्स में मेरे क्वेश्चन जो आए हैं मैं उनसे बताऊंगी, उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे जाऊंगी, दोनों पे इक्वल क्वेश्चंस आए हैं। सो यस, आई एम सुपर एक्साइटेड। और एक क्वेश्चन था, मतलब एक सिमिलर क्वेश्चन था जो सभी मुझसे पूछ रहे थे, मतलब कोई एक भी क्वेश्चन पूछा तो उसके साथ ही पूछा है वाई आर यू नॉट मेकिंग योर डांस वीडियो, इतना लेट क्यों हो रहा है, आप डांस वीडियो नहीं डाल रहे, आप डांस वीडियो हटा के इंटरैक्टिव डालोगे।
ऐसा नहीं है, मैं सॉरी मैं डांस वीडियो से साथ भी कंटिन्यू करूँगी, मैं इंटरैक्टिव वीडियोस भी बनाऊँगी, बट इधर भी मुझको कफ कोल्ड और फीवर है, मींस इस वक्त भी मुझको फीवर है, मैंने दवाई खाई थी, बट इट्स नॉट करोना, ये मेरे एसी के सामने डायरेक्ट सोने की वजह से है, वो ठंडी हवा डायरेक्ट मेरे इनहेल करने की वजह से, इस वजह से मुझको खांसी जुकाम और फीवर हो गया था। और अगर मैं इसमें मैं चाहूँ तो कर सकती हूँ, बट मेरी मम्मा ने मना कर दिया कि धूप में डांस करोगी तो उससे और ये बढ़ सकता है और इट्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर यू। तो मैंने कहा ओके, जैसी माता की आज्ञा। तो यस, मैं इस वजह से डांस वीडियो नहीं बना रही हूँ, जैसे कि मैं पूरी तरह रिकवर हो जाऊँगी और सही हो जाऊँगी तो मैं डांस वीडियोज़ के साथ कंटिन्यू ज़रूर करूँगी। यस, देन वी शुड गेट स्टार्टेड, चलें पुश। Did your parents support for YouTube and what is their reaction when you have told them about for starting your YouTube journey? So yes, मेरे parents support करते हैं हम लोग के, मतलब मैंने जब पहली what's reaction, तो मैंने जब पहली बार बताया था कि I want to start my YouTube as a career और मैं YouTuber, मैंने अभी ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इतना जल्दी मेरा YouTube channel grow होगा या फिर बहुत ज़्यादा, मीन्स किसी ने नहीं सोचा रहता है, जब वो पहला वीडियो डालता है तो उसको रहता है यस बस मुझको इस प्लेटफॉर्म पे जाना है। तो मैंने बस यही सोच के डाला था कि आई वांट टू शो माय एबिलिटीज़ कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ ऐसे सामने बैठ के। तो यस, तो उन्होंने कहा था यस आप तुम कर लो, साइड वाइज तुम कर लो, बट स्टडी बॉदर नहीं होनी चाहिए उसकी वजह से, बस जो नॉर्मल पेरेंट्स कहते हैं, नथिंग स्पेशल उनका रिएक्शन था, सपोर्ट पूरा था कि तुम जो करोगी उसमें सपोर्ट। यस, तो दूसरी जो है कीर्ति सिंह, तो उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। तो एंड हु शूट्स, नो पहले दूसरा है, व्हाट्स योर एम इन योर लाइफ, आइदर व्हाट डू यू वांट टू बिकम। सो मैं कॉमर्स लेके सीए मींस अपना कंप्लीट, मैं सीए बनना चाहती हूँ। और How do you manage study? Doesn't all these hamper your studies? नहीं, यस मुझको जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो लॉकडाउन चल रहा था, उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और बट उसके बाद जब हम लोग का आया कि ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, हम लोग का ऑफलाइन पेपर होगा मीन्स एग्ज़ाम होगा, तो इट्स ऑल मेरे सिर पे आ गया बहुत ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में बहुत कम ही ऐसा हुआ था कि मैंने सब, वैसे तो मैंने पढ़ा था इनका इतना नहीं था, बट बहुत थोड़ा दिक्कत हुई क्योंकि उसमें अब जो मोबाइल में पढ़ के आप उसको प्रैक्टिकली आपको लिखना है, वो देखना है और क्वेश्चन आंसर्स लर्न करना है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। एंड हु शूट्स योर डांस वीडियो, तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा है, मीन्स जिसने भी कोई भी क्वेश्चन पूछा उसके साथ ही क्वेश्चन ज़रूर पूछा है कि हु शूट्स योर डांस वीडियो। तो अब मैं डांस करती हूँ तो मैं कोई शूट नहीं करूँगी, वो आप लोग पता है। जिनको नहीं पता है, आई हैव माई एल्डर सिस्टर, मेरी बड़ी बहन है जिसका मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ उसके लिए, तो वो मेरी वीडियो शूट कर देती है। तो लेकिन जब उसका 10th है, बोर्ड्स एग्ज़ाम है, तो उसको जब प्रिपरेशन के लिए रहता है या फिर वो नहीं करती है शूट्स, तो मम्मी कर देती है शूट कर देती है, तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, मम्मी मैनेज कर लेती है, हम लोग मैनेज कर लेते हैं। तो यस, दूसरा है शिवम श्रीवास्तव, फ्रॉम वेयर यू हैव लर्न डांस, आपने डांस कहाँ से सीखा। तो काफ़ी लोग ये नहीं जानते हैं, काफ़ी लोग जानते भी हैं जो मुझको जानते होंगे, मैंने डांस नहीं सीखा है, आई एम अ सेल्फ टॉट पर्सन, मुझको बहुत शौक था डांस का, मैं बहुत ज़्यादा ही डांस, मुझको पहले जब मैं 3rd-4th में थी तो पढ़ाई सब या मैं रियलिटी शो में जाऊँगी थी, तो धीरे लेकिन धीरे बड़े होते होते मुझे रियलिटी शो और रियलिटी में डिफरेंस
समझ से आ गया कि रियलिटी और रियलिटी शो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। सो यस, मैं इस पर और टिप्पणी नहीं करूँगी, बट यस आई एम अ सेल्फ टॉट डांसर।